बहुत मजे का, बहुत ही यमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शाही टुकड़े लज़ानिया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के। क्योंकि लज़ानिया, नमकीन लज़ानिया तो हमने खाए हैं, चिकन में हो, मटन में हो, बीफ में हो, जिसमें भी, ब्रेड लज़ानिया भी हो, वो हमने सारे बनाए हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े लज़ानिया मीठे में ज़बरदस्त, जिसे हम बनाएंगे ईवा कुकिंग ऑयल से। ईवा कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में एक प्रीमियम कुकिंग ऑयल ब्रांड है। इस बार इस ब्रांड ने पाकिस्तान में पहली बार फोर लेयर्ड वाली मेटलाइज पैकेजिंग मुतारिफ कराई है। ये फोर लेयर्ड वाली पैकेजिंग ऑयल को गर्मी और जरासीम और सूरज की रोशनी से दूर रखती है और ये यकीनी बनाता है कि ईवा कुकिंग ऑयल की क्वालिटी और ताजगी ज्यादा देर तक बरकरार है। खोया बनाने के लिए यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लिया है 2 कप और दूध लिया है हमने 1/2 कप, चीनी ली है हमने तकरीबन 1/4 कप और ईवा कुकिंग ऑयल लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के। बादाम लिए हमने 1 टेबलस्पून कटे हुए, पिस्ते लिए हमने कटे हुए तकरीबन 1 टेबलस्पून और 3 अदद सब्ज इलायची ली हैं। तो सबसे पहले हम मीठा खोया रेडी करेंगे, तो चलिए रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ईवा कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून। वैसे जो खोया होता है वो घी से बनता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं ऑयल से, ठीक है, ईवा कुकिंग ऑयल से। तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे दूध, ठीक है। तो अक्सर घरों में जो होता है ना, वो घी इस्तेमाल नहीं करते, वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑयल से बना सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी ऐड कर दी और साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ठीक है। मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा जो मिल्क पाउडर था ना, वो हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये इलायची, लेकिन इलायची के सिर्फ हम दाने डालेंगे, ऊपर वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो नहीं ऐड करेंगे। बस इसका छिलका ऐड नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट हम ऐड करेंगे, ये वाला दाने वाला, साथ साथ चलाते जाएंगे। ज़्यादा हमें मोटा, मतलब ज़्यादा हमें वो वाला खोया नहीं चाहिए जो बिल्कुल सख्त होता है, हमें सॉफ्ट वाला खोया चाहिए। तो इसलिए हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा मतलब वो नहीं करना, हार्ड नहीं करना, जैसे मोटा मोटा होता है ना, सख्त सख्त सा, वो नहीं करना। तो थोड़ा सा दूध हम और ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम और पिस्ते और मिक्स करेंगे। चलें, थोड़ा सा हमने इसे पकाना है 1-2 मिनट के लिए। तो शाही टुकड़े लज़ानिये की जो फिलिंग है ना, वो रेडी हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और दूध का सिरप रेडी करते हैं। चलें, बस इतना ही चाहिए था और इसको हम साइड पे करते हैं। दूध लेंगे हम 2 कप, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के और चीनी लेंगे हम 4 टेबलस्पून भर के और क्यूरासन लेंगे हम चंद कतरे, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए हमें सिरप बनाने के लिए। तो अब रेडी करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे दूध, और दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में हम डाल देंगे चीनी, हल्का सा बॉयल आ गया दूध में, तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चलें, चीनी को हल करेंगे दूध में। तो चीनी दूध में हल हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर डालेंगे। उससे पहले हम थोड़े से दूध में हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे और मिक्स करेंगे। चलें, और ये दूध में ऐड कर देंगे। चलें, बस इतना ही ऐड करना था और इसमें डाल देंगे ये क्यूरासन। चलें, और इसको हम कर देंगे साइड पे। ये हमारा इस तरह का सिरप होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलें, शाही टुकड़े लज़ानिया के लिए हमने यहाँ पे हसब ज़रूरत ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हमने इनके जो किनारे हैं ना, उनको काट लेना है। तो चलें, एक एक करके हम इनको काटते हैं। चलें, सबको काट के रखते जाएंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइस हमने साइडों से काट लिए हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे ईवा कुकिंग ऑयल से। तो ऑयल जो है ना, वो हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस रखते जाएंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे ना, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो चलिए, हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह सारे कर लेंगे। तो ब्रेड के स्लाइस सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। तो चलें, अब हम रेडी करते हैं शाही टुकड़े लज़ानिया।
तो सबसे पहले हमने ये वाली डिश लेनी है जिसमें हम लज़ानिया पहले भी बना चुके हैं, तो हमने यहाँ पे स्वीट डिश के लिए मतलब मीठी डिश के लिए भी लज़ानिया की डिश यही पसंद की है। तो चलें, तो सबसे पहले हम जो ये हमने सिरप रेडी किया है ये हम नीचे लगाएंगे, ठीक है, हो गया। अब रखेंगे ब्रेड के स्लाइस, फिर से सिरप डालेंगे, सारा इसको सेट करेंगे और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये खोया, सारा अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम कटे हुए गार्निश करेंगे, थोड़े से पिस्ते, फिर से ब्रेड के स्लाइस रखेंगे, चलें अब फिर से तो अब हम लास्ट लेयर लगाएंगे, अब लास्ट में हम डाल देंगे खोया, तो खोया हमने सारा लगा दिया, अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम गार्निश कर देंगे और पिस्ते और इसके ऊपर हम ये वर्क लगा देंगे। तो तैयार है हमारे शाही टुकड़े लज़ानिया, तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद फिर इसको काट के दिखाते हैं। चलें, तो आधा घंटा हो चुका है और हमारा शाही टुकड़े लज़ानिया भी रेडी है और ठंडा भी हो चुका है, तो अब इसको हम सर्व करते हैं। तो चलें अब इसको हम सर्व करते हैं, ज़बरदस्त ठंडा हुआ है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा शाही टुकड़े लज़ानिया रेडी है और अब मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना और कितना यमी है, ये बहुत मज़े का, बहुत ही यमी। तो तैयार है ज़बरदस्त यमी सा हमारा शाही टुकड़े लज़ानिया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये शाही टुकड़े लज़ानिया की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में सब शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तो इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बटन पे क्लिक करके आप लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइफ विद आमना के इंस्टा को भी फॉलो करें इस पे, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।